के अंधेरे में ईशान अपने जज्बात खोकर सवी की जगह रीवा को बता डाला अपने दिल की बात। वहीं पर अब सवी की रोती निगाहों से आंखें फेरते हुए और अपने आप से नजरें झुकाते हुए और नाराज होकर ईशान चले जाता है ढाबे पर से। पर रीवा की तो जैसे लॉटरी लग गई हो और सवी के सामने उसे ईशान के मुंह से स्वर्ण शब्द सुनने को मिल गई और अब दोनों लौटते हैं भोसले घर अपने कार में और सभी अकेले देखते रह जाती है किस्मत के खेल को। वहीं पर जहां सब चले जाते हैं बस में बैठने, वहीं और कोई नहीं पर भंवर पाटिल पहुंचता है और सभी के साथ हमदर्दी जताता है। पर क्या सभी को पाटिल का साथ मंजूर है? वहीं रीवा तो जैसे चहक उठी है ईशान की बातें सुनकर और परिवार के सामने ईशान की सारे बातें बताती है। और परिवार में भी जहां दो मत होते हुए वहीं सुरेखा, स्वाति और राव साहेब तो जैसे खुशी से पागल हो गए हैं रीवा की खुशी देखकर। वहीं ईशान के दिल में उठी है हलचल और वो तो बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आता। और अब ये जो हुआ है उसे एक डरावना सपना लगने लगा है। आखिर ईशान रीवा को कैसे बताएगा कि वो सारे जज्बात उसके लिए नहीं सवी के लिए थे? और क्या अब सवी के पास जाएगा ईशान अपनी गलती सुधारने? पर क्या सवी मानेगी या फिर ईशान के ही सामने वो खुद भी एक ऐसा नाटक रचेगी जिसके भंवर में एक नहीं बल्कि फंसेगी चार जिंदगी? देखते रहिए घूमे किसी के प्यार में कि आने वाली एपिसोड में आखिर क्या होने वाला है। यहीं पर डांस कर रहे थे, गाना गा रहे थे, तो ऐसे रोमांटिक माहौल में ईशान ने अचानक से मेरा हाथ पकड़ा और मुझे आई लव यू बोल दिया। अरे वाह! और उसने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया। क्या बात है!